नमस्कार मित्रों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि यदि जिन किसी व्यक्ति पर चढ़ जाए, उसके ऊपर अटैक कर दे, तो फिर उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो उस व्यक्ति पर जब भी कोई जिन अटैक करता है तो इसका प्रभाव जो होता है, इसका असर जो होता है, वह हर लेवल पर देखा जा सकता है। जैसे कि फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर। ये तीन प्रकार के स्तर होते हैं व्यक्ति के जीवन में, जिस पर हम शैतानी शक्ति का असर देख सकते हैं। तो जो धार्मिक लेवल पर इफेक्ट होता है वह क्या होता है? जिन जब किसी व्यक्ति पर ज़्यादा प्रभाव डाल देता है तो वह उसके धार्मिक लेवल पर असर करता है। वे व्यक्ति को किसी भी तरह से धार्मिक क्रिया करने से रोकते हैं, जो उन्हें ईश्वर के करीब ले जाए, इस क्रिया से वह रोकने की कोशिश करते हैं। आप जब पूजा करते हैं तो आपके मन में गलत ख्याल आने लगते हैं, वह सेक्स के ख्याल हों, लोभ के ख्याल हों, या किसी तरह के लालच के ख्याल हों, या फिर क्रोध आपको आ जाए। वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो व्यक्ति को आलसी बना देती है, ताकि वह ईश्वर की पूजा न कर सके। आपके मन में गलत ख्याल वो डाल सकते हैं। कई बार तो आपको लगता है जैसे कि कोई आपके हाथ पकड़ रहा है। पूजा करते समय पूजा की थाली जब आपके हाथ में होती है तो वह ऐसा लगता है कि जैसे कोई पकड़ रहा है। आप पूजा में बैठे हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास कोई है, आपके आगे पीछे से कोई निकल रहा है। आपको एक हवा पास होने का संकेत मिलता है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या रामचरितमानस पढ़ते हैं, या गीता पढ़ते हैं, तो यह भी आपको पढ़ने से रोकता है या इसमें अड़चनें पैदा करता है, जब तक कि आप इसे पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ नहीं देते। ये शैतानी शक्ति व्यक्ति को ईश्वर के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने से, उनके स्त्रोत हैं, उनके शस्त्र नाम हैं या उनके मंत्र हैं, उनको पढ़ने से और समझने से रोकते हैं। जैसे जैसे आप ईश्वर से दूर होने लगते हैं, वैसे वैसे उसका कब्जा शुरू होने लगता है, वैसे वैसे वो आपके शरीर पर कब्जा शुरू कर देता है। अगर किसी तरह से आप यह लक्षण देखते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपको अब किसी बाहरी मदद की ज़रूरत है, जिसके बदौलत आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं या अपने जीवन से इसको हटा सकते हैं। दूसरा जो लेवल होता है वह है साइकोलॉजिकल लेवल। जिन किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर करने के लिए उसके दिमाग पर काबू करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए वो व्यक्ति के कानों में फुसफुसाते हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से मानसिक रूप से वह व्यक्ति कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। इसके ही परिणाम स्वरूप व्यक्ति के मूड में अनचाहे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी आप शांत बैठे थे, खुश थे, लेकिन थोड़ी देर में आपको क्रोध आ जाता है। इसके बाद आपके मूड में बहुत फर्क पड़ने लगता है, जिससे आसपास के व्यक्ति आपसे दूर रहने लगते हैं। और यह जिन जो होता है, यह किसी भी व्यक्ति के पास आपके जाने को रोकता है और उसके आने को रोकता है। मतलब कहने का यह है कि यह आपको एकदम अकेला कर देता है। आप पूरा दिन अकेले रहते हो और यह आपके देखता रहता है। जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो व्यक्ति को स्ट्रेस होती है, चिंता होती है, गुस्सा होती है, तो इस तरह के अनुभव व्यक्ति को होने लगते हैं। कई बार तो व्यक्ति सोचने की अक्षमता ही इतनी कमज़ोर हो जाती है कि व्यक्ति को होश ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। उसके कपड़े इस तरह बिखरे रहते हैं मानो वो काम वासना से भरा हुआ हो। अब तीसरा प्रभाव है भौतिक रूप से जिन का जो प्रभाव होता है, तो जिन का इफेक्ट व्यक्ति पर भौतिक शरीर पर भी उतना ही पड़ता है जितना कि साइकोलॉजिकल और धार्मिक स्थिति के पीछे उसका था। इसके पीछे कई तरह की स्थिति होती हैं। जिन व्यक्ति के दिमाग और दिल पर कब्जा करते हैं, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पर इसका असर साफ देखने को मिल जाता है। अधिकतर इफेक्ट इसका पैरों में होता है, पैरों की हड्डियों में होता है। यदि जिन का पूरा प्रभाव आपके ऊपर है और उसने आपको पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है, तो आपको पैरों से चलने की अक्षमता बहुत कम हो जाती है। कई बार तो व्यक्ति लेट कर चलना पड़ता है या घुटनों के बल पर चलना पड़ता है। इस तरह से व्यक्ति का यह हाल कर देता है। लेकिन भौतिक रूप से इसके असर को देखें तो इसकी वजह से ऐसी बीमारी का आप शिकार हो जाते हो जिस बीमारी को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यानी कि उस बीमारी का कोई नाम नहीं होता, मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं होता, न ही यह किसी ऐसी पकड़ में आती है। आप कितने भी टेस्ट कराओ, रिपोर्ट में आपके कुछ आएगा ही नहीं। तो इस तरह की गुमनामी बीमारी का आप शिकार हो जाते हो। अगर किसी महिला पर जिन्नात का दिल आ जाए तो उसकी वजह से भौतिक रूप से बहुत परेशान करता है। महिला को ऐसा लगता है कि मानो उसके साथ कुछ गलत हो रहा है,
और वह चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पाती है। ये इसी जिन का हिस्सा होता है, इसकी शैतानी शक्ति का हिस्सा होता है कि जिससे आपके शरीर पर कब्जा किया गया है। अब अगला सवाल उठता है कि महिला या पुरुष ज़्यादा शिकार कौन बनता है जिन का? ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिन्नात किस तरह का है। जिन महिलाओं को उनके शरीर की महक से आकर्षित होकर अपना शिकार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त हमने आपको अलग अलग तरह के जिनों के बारे में बताया है, क्योंकि जिन कभी एक तरीके से किसी शरीर पर कब्जा नहीं करते, इनके तरीके अलग होते हैं। महिलाओं पर, युवा लड़कियों पर जो शाम के समय या रात को खुले बालों से छत पर घूमती हैं, इसके पीछे यह मुख्य वजह मानी गई है। शादीशुदा महिलाओं के बालों की महक शैतानी शक्तियों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। महिलाओं के बालों की जो सुगंध होती है, वह सूंघने के बाद जिन फिर पीछा नहीं छोड़ता है। अगर किसी महिला पर जिन का दिल आ जाए तो उस पर दिन रात में से किसी एक खास समय, कोई खास समय वह चुन लेता है जिस पर वह उसके शरीर पर कब्जा करता है। महिला बाकी समय बिल्कुल नॉर्मल रहती है, ठीक ठाक रहती है, उसे लगता ही नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत है, लेकिन ठीक उसी समय वह अपने होश से बाहर हो जाती है जिस समय कि जिन उसके ऊपर चढ़ता है, यानी कि रात के समय। उसे बस ये मालूम रहता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन चाह कर भी वह इसका विरोध नहीं कर पाती। उसके हाथ पैर सब सुन पड़ जाते हैं, सांस रुक जाती है और उसके साथ वह गलत काम करता है। पुरुष पर जब जिन्नात चढ़ जाते हैं या पुरुष को अपना शिकार जब बना लेते हैं, तो वह सुनसान जगह से यदि कोई पुरुष गुजरे, किसी ऐसी जगह से गुजरे रात को कि जहां जिन्नात रहते हैं, तो वह उसे परेशान करने लग जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। यदि कोई स्त्री जिन चढ़ जाए तो उसे क्या होता है? उस व्यक्ति को रात को गलत सपने आते हैं, सेक्स के सपने आते हैं, संभोग के सपने आते हैं, उसका पूरा दिन काम वासना से भरा रहता है। वह स्त्री जिन होती है, वह उस पुरुष के साथ संबंध भी बनाती है और उस पुरुष को महसूस भी होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता है। ऐसे पुरुषों की शादी नहीं होती है, क्योंकि वह जिन जो होती है महिला, वह आपकी शादी नहीं होने देती। यदि आपकी शादी हो जाए तो वह आपकी पत्नी को या तो मार डालती है या फिर आपसे दूर रखती है, तलाक हो जाता है या आप अलगाव हो जाता है, आप अलग अलग रहने लग जाते हैं। तो इसलिए पुरुषों के लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि सुनसान जगह पर पेशाब करने से पहले यह ज़रूर सोच ले कि कहीं यहाँ कोई परालौकिक शक्ति की रहने की जगह तो नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पर, सुनसान जगहों पर, पता नहीं किस पेड़ में, किस बोतल में, किस घड़े में जिन रखे रहते हैं। कोई मजार होती है, आप वहाँ पर पेशाब कर देते हो तो जिससे कि यह आपके सताने से फिर पीछे नहीं रहता है। ऐसे कई केस हमारे पास आते हैं जिसमें लोगों को परेशान करने की बजाय किसी सुनसान जगह पर या पीर के मजार पर या कब्र की जगह पर सोच कर देना या पेशाब कर देना कारण माना जाता है। अंत में हम कहना चाहते हैं कि इंसानों से इफरीत जिन होता है एक, उसकी पुरानी दुश्मनी होती है। जिन्नात की सबसे शक्तिशाली जिन इफरीत होते हैं, जो कि एक प्रजाति होती है जिनों की। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे इंसानों को ईश्वर की इबादत करने से, पूजा करने से रोक सके। इसके लिए वह ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं जैसे कि लालच की या मानसिक तनाव की, जिसके चलते व्यक्ति खुद ही ईश्वर की भक्ति करना छोड़ देता है। तो हमने यहाँ आपको काफ़ी जिनों के बारे में बताया, उनके प्रकार बताए, उनकी प्रजातियाँ बताई, उनके चढ़ने के तरीके बताए, उनसे पड़ने वाले गलत प्रभाव बताए और किस तरह से वह एक इंसान के शरीर पर कब्जा करता है और इसके क्या क्या असर होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने लगातार 4 वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि जिनों का प्रभाव क्या होता है, जिन होते क्या हैं और यह महिलाओं पर ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं, उनके बालों की सुगंध से वह कैसे उनके पीछे चले जाते हैं। आशिक जिन होते हैं जो महिलाओं को छोड़ते नहीं हैं। यदि आपके ऊपर या आपके किसी परिजन के ऊपर ऐसे जिन का साया हो गया है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह आपको पूरी तरह बर्बाद कर देता है, आपके परिवार को नष्ट कर देता है, सिर्फ उस स्त्री से संभोग करता है और उस लड़की का जीवन भी बर्बाद कर देता है, उसकी शादी नहीं होने देता, शादी हो जाए तो उसको कंगाल बना देता है, पति को स्वास्थ्य से खराब कर देता है ताकि
ताकि वह उसके साथ संभोग न कर सके, आराम से सुख न ले सके, तो सारा सुख यह जिन लेता है और आपको परेशान करता है, दरिद्र बना देता है, गरीब बना देता है। यदि आपके साथ ऐसी कोई स्थिति है तो आपको तुरंत किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए जिनको इसकी पूरी जानकारी हो और इस शक्तिशाली जो शैतानी शक्ति है इसको हटाने की जो अक्षमता रखता हो। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।